नमस्कार मिडडे न्यूज साथे हूँ छु विधि वडोदरा थी अगत्यना समाचार। बंगाल की हिंसा सामे भाजप द्वारा वडोदरा में अलग अलग स्थलों विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं। राज्य सरकार नो जाहिर धार्मिक सामाजिक राजकीय कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है, छता पण भाजपना नेताओना टोळा एकठा थई गया। राज्य सरकारना नियमो मात्र जनता माटे ज छे, वो सवाल अत्यारे थई रह्यो छे। भाजपना नेताओ टोळा भेगा करे तो केम कोई कार्यवाही नथी थती, ए सवाल पण छे। भाजप ने कोरोना नु अभय वरदान मळ्यु होवानी पण लोकोमां चर्चा चाली रही छे। लोकोने दंडा फटकारती पोलीस भाजपना कार्यक्रमों सामे केम बोलती नथी, ते सवाल थई रह्यो छे। पश्चिम बंगाल में चूंटनी पछी हिंसा और टीएमसी कार्यकरों की हत्या के विरोध में वडोदरा शहर भाजप द्वारा अलग अलग पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन आयोजन कर मांजलपुर खाते पन सांसद रंजनबेन भट्ट सहित उपस्थिति में स्थानिक कार्यकरों से विरोध प्रदर्शन योजना अत्यारे जो रहा है कि स्थानिक कॉर्पोरेटरों कार्यकरों सौ कोई बंगाल में थी रहे हिंसा विरोध कर लोकतंत्र में बदला की भावना बंद करो, बंगाल के खूनी खेल छूपे कांग्रेस वाले लोकतंत्र में बदला की भावना बंद करो जो बेनरो स्थानिक भाजपा नेताओं आगे कार्यकरो अहीं विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जसवंत सिंह सोलंकी महामंत्री साहब की साथ के स्तरे आ प्रकार कार्यक्रम योजना है बंगाल हिंसा विरोध गुजरात में क्या वडोदरा में पांच विधानसभा में कार्यक्रम पांच पांच विधानसभा में धरना कार्यक्रम है। बंगाल कार्यक्रम अहीं एटला माटे छे कि जे रीते भारतीय जनता पार्टी कोईपण राजनीति पार्टी हो बदला की भावना राजनीति नहीं करती, जयरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं जी रीते दिवस रात हत्याओं थी रही है, हजारों कार्यकर्ताओं बलिदान आप रहा है, एना धरना कार्यक्रम है। चूंटनी कार्यक्रम जाहिर थयो ते पूर्वथी हिंसा दौर शुरू थयो तो सत्ता संभाळ्या पछी पण चालू है। सांसद रंजनबेन भट्ट पण प्रदर्शन में जोड़ाया है। चूंटनी जाहिर थाय ते पूर्वथी हिंसा शुरू थई हती हजू पण चालू है, केटलू शरमजनक। बिल्कुल ममता सरकार टीएमसी सरकार माटे खूब शरमजनक कहवाय। चूंटणी पहेला पण કેટલાય ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને સમર્થકોની તેમણે હત્યા કરાવી છે, એમને રિઝલ્ટ પણ જનતાએ આપ્યું છે, અને જ્યારે રિઝલ્ટ મળી હોય બહુમતી મળી ગઈ હોય પછી પણ કાર્યકર્તા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થકોને હત્યા કરવામાં આવે એ બિલકુલ ચલા